हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार। इस अचार को आप साल में कभी भी डाल सकते हैं और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च का चटपटा अचार। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च ली थी और उनको इस तरीके से पीसेस में काट लिया है। अब एक पैन लीजिए, उसमें 2.5 टेबल स्पून साबुत सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन डालकर इन सबको भून लीजिए। जब भी आप मसाले भूनें, गैस हमेशा धीमी रखें, इससे मसालों का मॉइस्चर निकल जाता है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे और इसको भी हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हमारे ये मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून राई डालूंगी, 1 टी स्पून पीली सरसों दाना डालूंगी और इन सब को भी मैं धीमी आंच पर 2 मिनट तक भून लूंगी। अब हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन मसालों को ठंडा होने देंगे। हम अचार में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। अब 1 कप सरसों का तेल लें और इसको धुआं उठने तक गर्म कर लीजिए। फिर हम गैस बंद करेंगे और तेल को ठंडा कर लेंगे। जब तेल ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम अपने अचार में तेल को यूज करेंगे। अब इन मसालों में 1.5 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून हींग, 1.5 टी स्पून अमचूर पाउडर, 3 टेबल स्पून नमक डालेंगे। आप नमक थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन पिसे हुए मसालों में मैं 1 टीस्पून कलौंजी डालूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। लीजिए, हमारा हरी मिर्च के अचार का मसाला तैयार है। अब जो मिर्ची हमने काट के रखी हुई थी उनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला डाल दूंगी। अब इन मसालों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप ज्यादा तेल पसंद करते हैं तो आप सारा तेल डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मिर्च के अचार में थोड़ा सा कम तेल पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा तेल डालूंगी। मसाले, मिर्च और तेल को अच्छे से मिलाकर इसमें 1/4 कप नींबू का रस डालिए। एक तो नींबू के रस से हमारा अचार थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, एक नींबू का रस मिर्च के तीखेपन को थोड़ा सा कम कर देता है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। इस अचार को आपको धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए, हमारा चटपटा मिर्च का अचार बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।